दौलत मुश्तरका में पाकिस्तान का इनाम। पहलवान इनाम बट ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मुल्क के लिए पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में अफ्रीकी पहलवान को पिछाड़ दिया। पाकिस्तान के रेसलर तैयब रजा ने भी कांसी का मेडल हासिल किया। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे के मुकम्मल ऑडिट का हुक्म। ख्वाजा साद रफीक रोस्टम पर आए, लोहे के चने भी साथ लाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, बयान आपके लिए नहीं सियासी मुखालिफिन के लिए था, वफाकी वजीर का जवाब। रेलवे की बेहतरी के लिए बहुत जान मारी, आज बहुत दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ। जियाउल हक के साथियों में शामिल नहीं हूँ। ख्वाजा साद रफीक की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को। सानिहा मॉडल टाउन का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाप्त केसेस दो हफ्तों में निपटाने की हिदायत दे दी। पंजाब पुलिस ने चीचावतनी की 8 साल नूर फातिमा के कत्ल को हादसा करार दे दिया। डीएनए रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक नहीं हुई, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। वज़ीर-ए-आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कराची का दौरा। गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। कहते हैं नवाज शरीफ की मकबूलियत कोई नहीं छीन सकता, वो कायद थे, कायद हैं और कायद रहेंगे। नवाज शरीफ की ताई और मियां फारूक की वालदा शमीम बीबी इंतकाल कर गईं। मॉडल टाउन लाहौर में नमाज जनाजा में साबिक वजीर आजम की भी शिरकत, दीगर सियासी और समाजी शख्सियात की भी आमद। ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट के लिए चीनी बैंक से मजीद 1 अरब 20 करोड़ मिल गए। एक्सिम के फंड्स मास ट्रांजिट अथॉरिटी को जारी, रकम LGA को मिलेगी। तामीराती कामों की मद में अदायगियां की जाएंगी। थप्पड़ों के खेल ने लड़के की जान ले ली। मियां चन्नू में तालिब इल्म ने आपस में थप्पड़ों का मुकाबला किया। बिलाल क्लास फेलो आमिर के थप्पड़ लगने से जान की बाजी हार गया। इस्लामाबाद में थाना गोलड़ा के इलाके G410 से 2 खुदकुश जैकेट्स बरामद। 5 ग्रेनेड, 2 पिस्टल्स, 106 गोलियां, बॉल बेयरिंग और फ्यूज भी मिले। असलहा और बारूदी मवाद पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिका और इतिहादियों का शाम पर फिजाई हमला। क्रूज मिसाइलों से कीमियाई तंसीबात समेत मखसूस अहदाफ को निशाना बनाया। बहरी और जंगी तैयारों का भी इस्तेमाल। हमलों में 6 शहरी जख्मी। रूसी हुकाम का कहना है 100 से ज्यादा मिसाइल दागे गए, ज्यादातर मार गिराए। और भारतीय इंतहा पसंदों ने सानिया मिर्जा को धमकियां देना शुरू कर दी। चैनल स्टार का ट्विटर अकाउंट बंद करने पर गौर।